सो अब हम डिस्कस करेंगे कॉलम मेजर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टू डायमेंशनल एरे। तो अगर हमारे पास ये 3x3 डायमेंशन की कोई मैट्रिक्स है जिसमें 3 नंबर ऑफ रोज और 3 नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, तो उसके एड्रेसेस, उसके एलिमेंट के कुछ एड्रेसेस होंगे। ये एड्रेसेस मैप होंगे हमारे मेमोरी में, ये है मेमोरी लोकेशंस। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो मेमोरी लोकेशंस हैं वो आपकी क्या होंगी, कंटिन्यूअस फॉर्म में एक प्रॉपर ब्लॉक ऑफ मेमोरी होगा जो रिजर्व हो जाएगा इस पर्टिकुलर एरे के एलिमेंट्स के लिए, राइट। तो कॉलम मेजर रिप्रेजेंटेशन के केस में आपके जो एड्रेसेस हैं उनकी कंटिन्यूटी या उनकी सीक्वेंस किस तरह से मेंटेन होती है, कॉलम वाइज मेंटेन होती है। जैसे कि फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट्स, देन सेकेंड कॉलम के सारे एलिमेंट्स, देन थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स का एड्रेस। तो इस तरह से कंटिन्यूटी या सीक्वेंस बनती है यहाँ पर मेमोरी लोकेशन में, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये एलिमेंट देखें, फर्स्ट एलिमेंट जो इसका है A00, उसका एड्रेस है 100 till 1003। तो नेक्स्ट जो एड्रेस होगा, जो नेक्स्ट एड्रेस होगा वो किसका है, A10, यानी कि A10। तो वो क्या है, इसी कॉलम का है, राइट। ये इसी रो डिफरेंट है बट इसी कॉलम का एड्रेस है। देन जो नेक्स्ट एड्रेस होगा 1008 till 1011, तो वो इसी कॉलम का नेक्स्ट रो का एड्रेस है। इसके बाद कंटिन्यूटी कहाँ से होगी, नेक्स्ट कॉलम से, और इसी तरह से सीक्वेंस मेंटेन होगी इसी कॉलम के जितने, जब तक ये रो नहीं फिनिश हो जाती ये वाले एड्रेस चलेंगे, एंड देन नेक्स्ट कॉलम के रो वाइज एड्रेसेस चलेंगे, राइट। तो इस तरह से हम कॉलम मेजर रिप्रेजेंटेशन करते हैं किसी भी एरे का। तो सबसे पहले फर्स्ट कॉलम के एड्रेस आएंगे कंटिन्यूअस फॉर्म में, देन सेकंड कॉलम के एड्रेसेस आएंगे कंटिन्यूअस फॉर्म में, एंड देन थर्ड कॉलम के एड्रेसेस आएंगे इन अ कंटिन्यूअस फॉर्म, राइट। क्योंकि जो हमारे मेमोरी लोकेशन में जो एड्रेसेस हैं वो कंटिन्यूअसली चलते हैं, हमारी कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन होती है। तो अब हम बात करेंगे एड्रेस कैलकुलेशन की, अगर हमारा जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू डायमेंशनल एरे वो कॉलम मेजर टाइप है। तो अगर हम कॉलम मेजर रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं अपना टू डायमेंशनल एरे का, तो हम एड्रेस कैलकुलेशन कैसे करेंगे। सबसे पहले जो टर्म हमारे पास होनी चाहिए वो है कॉलम लोअर बाउंड। कॉलम लोअर बाउंड क्या है यहाँ पर, 0, और कॉलम अपर बाउंड क्या है, 2, और रो लोअर बाउंड क्या है यहाँ पर, 0, एंड रो अपर बाउंड है अगेन 2, राइट। विड्थ अगर सपोज हमारा इंटीजर टाइप एरे है ये, तो विड्थ कितनी हो जाएगी, 4। आई का मतलब उस एलिमेंट का रो नंबर जिसका हमें एड्रेस निकालना है, और जे का मतलब कॉलम नंबर उस एलिमेंट का जिसका हमें एड्रेस निकालना है, राइट। और इसका बेस एड्रेस कितना है, 1000, राइट। एम का कैलकुलेशन मैंने आपको बताया हम कैसे कर सकते हैं, रो अपर बाउंड माइनस रो लोअर बाउंड प्लस 1, और एन कैलकुलेट करने के लिए कॉलम अपर बाउंड माइनस कॉलम लोअर बाउंड प्लस 1। तो इसके केस में कितना हो जाएगा, 2 - 0 + 1 सेम रहेगा, 2 - 0 + 1 = 3, क्योंकि ये 3x3 की मैट्रिक्स है, राइट। अब हम ये सारी वैल्यूज इस फॉर्मूला में पुट करके देखते हैं। सपोज मुझे एड्रेस निकालना है इस पर्टिकुलर सेल का, इस सेल में जो एलिमेंट स्टोर्ड है उसका मुझे एड्रेस कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या लिखूंगी यहां पर, लोकेशन ए, आई की वैल्यू है 2 और कॉलम की वैल्यू है 1, 2, 1 इक्वल टू बेस एड्रेस यानी कि 1000 प्लस विड्थ यानी कि 4 मल्टीप्लाइड बाय। अब यहां पर देखने वाली बात है, हम कॉलम मेजर रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर सेल तक पहुंचने के लिए मैंने कितने नंबर ऑफ सेल्स को पास किया होगा, 1, 2, 3, 4, 5 5 सेल्स को मैंने पास किया है, और उसका कैलकुलेशन हम करेंगे इस फॉर्मूला के थ्रू, ये जो ब्रैकेट के अंदर फॉर्मूला है। तो सबसे पहले हमने लिखा जे माइनस कॉलम लोअर बाउंड, जे की वैल्यू क्या है आपकी, जे इज 1, 1 माइनस कॉलम लोअर बाउंड। मैं इस फॉर्मूला से ये वाले सेल्स, ये वाला जो रेक्टेंगल है इसके अंदर जितने सेल्स हैं वो कैलकुलेट कर रही हूँ, 1 माइनस कॉलम लोअर बाउंड मल्टीप्लाइड बाय एम, एम कितनी है हमारी,
नंबर ऑफ रोज 3 प्लस आई। अब मैं जिस पर्टिकुलर कॉलम में हूं, ठीक है, जिस एलिमेंट का मुझे एड्रेस निकालना है वो कौन सी कॉलम में है, इस कॉलम में। इस कॉलम के भी मैं दो एलिमेंट्स को पास करके आई हूं, तो वो मैं कितने एलिमेंट्स को पास करके आई हूं वो मुझे कौन बताएगा, ये आई, आई माइनस रोल ओवर बाउंड। आई की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2, 2 माइनस रोल ओवर बाउंड है 0, राइट। तो अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो मैं कितने सेल्स पास करके आई हूं, 1, 2, 3, 4, 5, तो इससे वो कैलकुलेट होकर आएगा 4 into, अब इसको हम देखिए 1 माइनस 0 यानी कि 1, 1 into 3, 3 प्लस 2 माइनस 0, 2 प्लस 2 कितना कैलकुलेट होकर आया 5, 1000 प्लस 4, 5 सेल्स, और हर एक सेल कितने साइज ले रहा है, 4 बाइट्स, तो 4 into 5, तो ये हो जाएगा 1000 प्लस 20 यानी कि 1020, और 1020 ही इस पर्टिकुलर एलिमेंट का एड्रेस है, राइट। सो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस मैट्रिक्स या किसी भी मैट्रिक्स टू डायमेंशनल एरे के किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट का एड्रेस यूजिंग दिस फॉर्मूला। भले ही उसकी एड्रेसिंग जीरो से स्टार्ट हो या फिर सॉरी उसकी इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट हो या वन से स्टार्ट हो या किसी भी पर्टिकुलर नंबर से स्टार्ट हो, हम इस फॉर्मूला को यूज करके कॉलम लोअर बाउंड अपर बाउंड, रो लोअर बाउंड अपर बाउंड, उनकी वैल्यूज को प्लेस करके हम इजीली किसी भी एलिमेंट का एड्रेस कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक और न्यूमेरिकल देखेंगे बेस्ड ऑन द कॉलम मेजर रिप्रेजेंटेशन। सो हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। ये न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, द एरे डी, डी से हम डिनोट करें एरे नेम, जिसमें जो रो है वो है -2 till 10 यानी कि उसका लोअर बाउंड है रो का -2 और अपर बाउंड है 10। उसी तरह से कॉलम जा रही है 3 to 8 यानी कि कॉलम का लोअर बाउंड है 3 एंड कॉलम का अपर बाउंड है 8 एंड इट कंटेन्स डबल टाइप एलिमेंट्स। हमें पता होना चाहिए कि डबल टाइप के जो एलिमेंट्स हैं वो मेमोरी में 8 बाइट्स ऑक्यूपाई करते हैं। कितने बाइट्स ऑक्यूपाई करते हैं, 8 बाइट्स। बेस एड्रेस उसका गिवन है 4110, हमें एड्रेस निकालना है ऑफ एलिमेंट D45 का हमें एड्रेस निकालना है। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे इसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स। M इक्वल टू रो अपर बाउंड माइनस रो लोअर बाउंड प्लस 1 एंड N इक्वल टू कॉलम अपर बाउंड माइनस कॉलम लोअर बाउंड प्लस 1। तो ये M कितना कैलकुलेट होके आएगा आपके पास, 10 माइनस माइनस 2 यानी कि 12 प्लस 1 यानी कि 13 एंड N कितना कैलकुलेट हो गया आएगा, 8 माइनस 3 प्लस 1 यानी कि 6। तो 13/6 की है आपकी मैट्रिक्स, राइट। 13 नंबर ऑफ रोज है और 6 नंबर ऑफ कॉलम्स है इसके अंदर। अब हम ये सारी वैल्यूज इसमें प्लेस करते हैं। इसके अलावा हम कॉलम लोअर बाउंड यहाँ पर लिख के रख लेते हैं। कॉलम लोअर बाउंड है 3 और क्या यूज होगा हमारे पास, रो लोअर बाउंड। रो लोअर बाउंड है आपके पास, रो लोअर बाउंड है -2। ओके, आई की वैल्यू है, आई की वैल्यू है आपकी 4 एंड जे की वैल्यू है 5, क्योंकि आपको जिस एलिमेंट का एड्रेस निकालना है उसकी रो नंबर है 4 और कॉलम नंबर है 5। सो प्लेसिंग ऑल दीज वैल्यू इन दिस फॉर्मूला, लोकेशन निकालनी है हमें ऑफ डी 4, 5 की, राइट। तो बेस एड्रेस कितना है, 4110 प्लस विड्थ कितनी है, 8, क्योंकि ये डबल टाइप के एलिमेंट्स है इसके अंदर, मल्टीप्लाइड बाय जे, जे की वैल्यू है 5 माइनस कॉलम लोअर बाउंड दैट इज 3 मल्टीप्लाइड बाय एम की वैल्यू है 13 प्लस आई है 4 माइनस रो लोअर बाउंड दैट इज -2। तो ये आएगा 4110 प्लस 8 इंटू 2 इंटू 13 कितना हुआ, 26 प्लस 4 प्लस 2 दैट इज 6। तो 4110 प्लस 8 इंटू ये कितना हो जाएगा, 32। 4110 प्लस 8 हो जा 16 एंड
256, तो कितना आएगा 6634। तो इस पर्टिकुलर एलिमेंट का एड्रेस कितना होगा 4366, राइट। तो इस तरह से अगर आपके पास कोई भी न्यूमेरिकल गिवन है, ये फॉर्मूला यूज करके, राइट, एम और एन की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद ये फॉर्मूला यूज करके आप इजीली किसी भी एलिमेंट का एड्रेस कैलकुलेट कर सकते हो। सो आई होप आपका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू डायमेंशनल एरे का कॉन्सेप्ट काफी क्लियर हो गया होगा। आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स हैं, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।